देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। झारखंड में स्थानीय नीति तय करने का मामला तूल पकड़ रहा है। सोमवार को इस मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। निर्दलीय विधायक सरयू राय विधानसभा में कुछ सवाल पूछे थे जिसका जवाब केवल हाँ या ना में होना चाहिए था, मगर सरकार इसका उत्तर नहीं दे सकी। सदन में सरकार के जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि सिर्फ 1932 का खतियान ही झारखंड के लिए स्थानीयता का आधार नहीं बनेगा। झारखंड में स्थानीयता नीति बनाने के दौरान 1964 और 1974 के सर्वे का भी ख्याल रखा जाएगा। प्रभारी मंत्री के तौर पर आलमगीर आलम ने सरयू राय के सवाल के जवाब में कहा कि इस राज्य के अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर सर्वेक्षण हुआ है, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ के लोगों की बेहतरी का ख्याल रखते हुए स्थानीयता नीति बनेगी। सरकार में मंत्रियों की एक 3 सदस्यीय समिति बनाने की प्रक्रिया जारी है, तो अब वो कब बनाते हैं, कब नौमन तेल होता है, कब राधा नाचती है, मगर हमें उम्मीद थी कि सरकार खुलकर विधानसभा में कहेगी कि 1932 का खतियान हमारे स्थानीयता का आधार होगा या नहीं होगा। इससे लगता है कि केवल 1932 का खतियान ही सरकार की नज़र में नहीं है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई खतियान तो 32 में भी हुआ, खतियान तो 64 में भी हुआ, खतियान आधा अधूरा कुछ 77 में भी हुआ, तो हम लोग सबका अध्ययन कर रहे हैं। तभी पूरक प्रश्न किसी के माध्यम से आया, शायद सुदेश महतो जी ने किया, भाई आप कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, आपके मंत्री बाहर में बोलते हैं जब विधानसभा चल रही है तब बोलते हैं कि हम खतियान को ही आधार बनाएंगे, तो ये तो सही स्थिति नहीं है। सामूहिक निर्णय होता है सरकार का, तो उसे लगता है कि सरकार में ही मतांतर है। हम लोगों का यही जानना था सरकार से कि आप साफ साफ कहिए कि नियम कानून संविधान के जो प्रावधान है उसके आधार पर ही स्थानीयता तय होगी, और इसी को सरकार ने माना भी कि हम न्यायालय के निर्णयों का अध्ययन कर रहे हैं। और दूसरा कि 2016 में हम लोगों की सरकार ने जो स्थानीय नीति बनाया है उसके बारे में मैंने पूछा था कि ये लागू है कि नहीं, तो उन्होंने सीधे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो अभी जारी है। तो 2016 में जो 1985 को कट ऑफ डेट मानकर किया गया था, तो आज जारी है, सरकार ने 2 साल में उसको खारिज नहीं किया है। इसलिए अब ज़रूरत है कि इस राज्य की जनता के सामने, खासकर के जो युवा वर्ग है उसके सामने ये वस्तु स्थिति जाए कि इतने दिनों से 20 साल हो गए नियुक्तियाँ रुकी हुई हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, और इसका कारण जो केवल ये कहा जा रहा है कि हम स्थानीयता इस कारण से नहीं तय कर रहे हैं कि ये खतियान का मामला है, तो ये सही स्थिति नहीं है। इस राज्य की जनता को ये समझना पड़ेगा, खास करके युवा वर्ग को समझना पड़ेगा, और राजनीतिक दलों में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम जनता के सामने साफ साफ बात कहें। हम सरकार में रहेंगे तो दूसरी भाषा बोलेंगे, और जो सरकार के बाहर हैं वो दूसरी भाषा बोलेंगे। बेहतर होता कि सर्वदलीय बैठक बुला ली जाती और इन मुद्दों पर सबकी सलाह ले लेते कि भाई उस बैठक में सब अलग अलग कहते हैं, बताइए जो कहते हैं कि देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस न्यूज़। धन्यवाद।